अरे थोड़ा सा रिस्क हो रहा है, अबे अबे बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है इग्लू। गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो होप करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं मुनस्यारी, तो आज हमारा सेकंड टाइम जा रहे हैं मुनस्यारी, जो सेकंड टाइम व्लॉग बना रहे हैं। निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो रहा है। सो गाइस निकल चुके हैं हम लोग अभी मुनस्यारी को, और टाइम हो रहा है अभी 11:51। तो 12 बज चुके हैं लगभग हम लोग अभी। हमारा प्लान था 9 बजे निकलने का, बट अभी 12 बज चुके हैं क्योंकि प्रदीप और ये थोड़ा लेट आए। सो गाइस अभी हम लोग मंदिर के पास रुके हैं, रेघाटी मंदिर के पास में। तो यहाँ पे रुके थे मंदिर के पास में, और अब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग पहुँचते हैं मुआनी, तो मुआनी से अभी थोड़ा पीछे है, और इधर साइड को पूरा कोहरा लगा था सुबह को, अभी ठीक है। और मेरी टोपी है रखी आगे साइड को सुखाने के लिए, क्योंकि ये पूरी भीग चुकी थी, कल धोई थी मैंने तो गीली थी, और मुनस्यारी में चाहिए ही क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो टोपी तो बहुत ज़रूरी है वहाँ। बुलेट नहीं आई। हम लोग मौनी से थोड़ा आगे हैं, और प्रदीप और कुन्नू ऊपर पीछे हैं, तो उनके लिए रुके हैं वो लोग, पता नहीं कहाँ रह गए पीछे। सो अभी हम लोगों ने इसी जगह जाना है। देखिए बर्फ, कैमरा तक क्लियर दिखाएगा नहीं, बट वो उसी जगह हम लोगों ने जाना है, इधर ही साइड को है मुनस्यारी। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं थल मार्केट, तो आज पूरी मार्केट बंद है क्योंकि 31st है, तो इस वजह से लोग। और अभी हमने सबसे पहले जाना है एटीएम, अगर एटीएम खुला होगा तो हमने कैश निकालना है क्योंकि पेट्रोल फिल करना है। देखिए पैसा, देखिए बहुत ज्यादा है, ट्रांसफर कर दिया है। चल 4500 बाद में करना। मार्केट पूरी बंद है, खुली है मार्केट। यस 500 तो आ चुके हम लोग थल से आगे, और इधर साइड को पूरा पाला पड़ा है और ठंडा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी तक थल में थोड़ा सा गर्मी हो रही थी, अब आगे को थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है क्योंकि इधर को धूप खिली नहीं अच्छे से, पेड़ लग रहे हैं। भाई साहब ने पाला कितना गिरा है इस रोड में, तो धूप बिल्कुल नहीं खिली इधर साइड, ठंडा इतना हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। और अब हो गया है थाना थल ख़त्म, अब यहाँ से लगेगा थाना नाचनी। तो जैसे अब ये क्रॉस हो गया, तो ये नाचने वाला एरिया आ गया अब यहाँ से। सो गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए जो ये पहाड़ है, इस दोनों के अंदर से मतलब रोड कट रही है, और ये पूरा पहाड़ काट के रोड बनाया गया है, तो काफी मतलब अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर से जो रोड जा रही है वो भी बहुत मस्त लगता है। इस साइड पे जो है, इस साइड पे होता है रिवर राफ्टिंग। पहुंच चुके हैं नाचनी, तो ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम नाचनी मार्केट में होंगे। यहाँ थोड़ा आराम से चले क्योंकि रोड में आ जाते हैं पता नहीं चलता लोग, पिछले बार इस थोड़ा सा आगे पे आया था रोड पे है, पिछले बार हमारे साथ इसी जगह पे हुआ था। साइड को पूरा लैंडस्लाइड होता है बरसातों के टाइम पे बहुत ज़्यादा। हो चुकी है हमारी ऑफ रोडिंग, ये देख सकते हो ऊपर को पूरा का पूरा। बुलेट के साइलेंसर से पैर जल गया, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है, और हम जा रहे हैं खाने के लिए। और वो देखिए ऊपर उड़ के स्नोफॉल, तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बना रखा है यहाँ पे। सो गाइस अभी हम लोग जिस जगह पे रुके हैं उस जगह का नाम है ककर सिंह बैंड। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं क्योंकि अभी ने किसी ने नाश्ता नहीं किया था। ध्यान से देखिए इस इंसान को। तो आ चुकी है अपनी मैगी, और अब मैगी खा रहे हैं। तो ये देखिए ये भाई की मैगी, देखिए नमकीन मूंगफली सब डाल रही है इसमें। सो अभी हम लोग मुनस्या
नाचने से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ से बिरथी पॉल होगा लगभग 5 से 10 किलोमीटर, और ऊपर साइड को पूरी स्नो गिरी है अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो। मौसम काफ़ी ठंडा, धीरे धीरे ठंडा होने लग गया है और अभी आगे को और भी ज़्यादा ठंडा होना है अभी जैसे ऊपर टॉप में पहुँचेंगे। तो कुन्नू आगे आगे चल रहा है, थोड़ा सा आगे है तो पहुँचने वाले हम लोग बिरथी फॉल, और यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर होगा बिरथी फॉल। तो यहाँ से ये जगह मेरे को बहुत सही लगती है, तो काफ़ी ऊंचाई में भी है और रोड भी काफ़ी प्यारी है और आगे पीछे पूरे पहाड़ी पहाड़ है, तो बहुत मस्त लगता है टॉप में है। और इससे आगे जो ऊपर है वो भी बहुत प्यारा है जब ऊपर टॉप में पहुंच गए। तो मौसम अभी तक ठीक है, तो हम लोग उस रास्ते से आए थे और वो नीचे होते हुए यहाँ से यहाँ निकले थे, तो अभी हम लोगों ने अब ऊपर जाना है, तो ये यहाँ से निकलता है तो उससे भी बहुत सारे बैंड है। स्नो दिखना शुरू हो गई है अभी, अब थोड़ा ही है, 5 मिनट में हम लोग उसके पास पहुँच जाएंगे, तो कुछ अलग ही फील हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद आ रहे हम लोग ऐसे, ऐसा मज़ा आ गया, पहाड़ों की कुछ अलग ही मज़े है, मतलब पूरी जगह स्नो ही स्नो दिख रहा है, अब आया फील थोड़ा। वो देखियो हमने उतरे ऊपर जाना है वहाँ, भाई साहब मतलब मस्त मज़ा आ गया देख के, अब स्नो मिल गई है और देखिए यहाँ पे भाई लोग कैसे खेल रहे हैं। भाई मेरे को नहीं, इसको इसको पकड़ो, साबाश साबाश निकाल, मार इसको, जल्दी पकड़ भाई, पकड़ मार। अबे भाई दोबारा दोबारा, मजा आ गया मतलब, दिल खुश हो गया। और हमारा लास्ट दिन 31st आज। तो मतलब संदीप इग्निशन बंद कर दे यार, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मतलब, तो पूरी स्नो स्नो गिरी हर जगह, तो आपने देखा ठंडा भी काफ़ी है और मज़ा भी उतना ही आ रहा है जितना ठंडा है, तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। और अभी भी एक दूसरे के सर में बर्फ़ पटक रहे हैं लोग, एक दूसरे के सर में बर्फ़ के गोले बना के फोड़ रहे हैं। हम काफ़ी ऊँचाई में आ चुके हैं और यहाँ से आप नीचे को दिखाता हूँ मैं आपको, तो कई सुंदर नज़ारा है मतलब। ये देखिए बर्फ़ खा रही है अगला बंदा, भाई साहब और जोर से फोड़ते रहो, तपस्या करता हुआ लौंडा। तो अभी हम चला रहे हैं बुलेट, भाई साहब 500cc क्लासिक चला रहे हैं, और पीछे पीछे आ रहा है हमारे कुन्नू। कुछ अलग ही मजा आ रहा है, अरे भाई थोड़ा टायर इधर उधर नाचने में है गाड़ी के। तो अभी हम लोग 500cc चला रहे हैं, थोड़ा डाउन मारने में थोड़ा सा रिस्क है, चढ़ाई में तो चलो निकल जाती है। गाइस भाई साहब ये पूरी स्नो गिरी है यहाँ, सब गिरी है अभी तक, नहीं अभी तक। देख सकते हैं आप, भाई साहब मजेदार चीज देखिए ये, ओ गाड़ी हटा दो आगे से, अबे गाड़ी स्लिप करेगी देखना भाई। अरे भाई तो भाई अभी मैं भी गिर गया था, भाई साहब क्यों डाला अगला टायर अंदर, अगला टायर अंदर क्यों डाला जानबूझ के। अच्छा ये आ जाओ भाई, वो गाड़ी ऑफ करके इग्निशन देखिए इसको, वही प्रदीप इसको सीधा कर यार, थोड़ा इसको आगे कर ले, कार आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ये आ जाओ आ जाओ। अबे लग रही है फेक फेक फेक, हाँ बढ़िया।
बढ़िया बढ़िया है। अबे मेरे को नहीं, ये है पीछे। अरे अरे उठाओ यार, उठाओ इनको। आराम से, हाँ ये अभी फिसलेगी। हाँ रुकना, अरे आराम से, आगे से मत चलो, पीछे पीछे लो हल्का हल्का। हाँ ठीक है, ब्रेक मत लेना, ब्रेक अगला तो मत ही लेना, गियर में डालो गाड़ी, क्लच छोड़ देना, अगला ब्रेक बहुत कम लेना। तो भाई ब्लैक स्नो है पूरी की पूरी है, और थोड़ा सा रिस्क हो रहा है। अबे अबे भाई भाई रुक जा। तो भाई ये पूरी ब्लैक स्नो है और गाड़ी बहुत स्लिप कर रही है, हैं? ये जो हमसे आगे आगे चल रहे हैं कहीं भयंकर ही गिर गए थे अभी, और बर्फ तो बहुत ज़्यादा पड़ी है। भाई साहब ये देखिए स्नो, ओ भाई साहब असली तो यहाँ पड़ी है स्नो। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे कालामुनी में रुके हैं, और ये देखिए ऊपर, भाई मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया, काफी ज्यादा टाइम नाच रहा है, और देखिए नीचे ब्लैक स्नो है तो थोड़ा डर लग रहा है। तो अब लोग अब यहाँ से मुनस्यारी बच गया, 8 से 10 किलोमीटर बचा नीचे, पूरा का पूरा नीचे डाउन ही है ये मुनस्यारी तक। ये रहा खलिया द्वार, यहाँ से लगभग 0.8 किलोमीटर है खलिया टॉप, 0.8 लिख भाई सा। इधर पे देखो ना ये मेन, भाई सा बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है इग्लू। चल तो भाई सब खेल रहे हैं। देखो ये नीचे पूरी मुनस्यारी, तो बर्फ तो पिघल गई है मुनस्यारी की, बट थोड़ी थोड़ी को भी है, थोड़ी थोड़ी रह गई। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग मुनस्यारी, और टाइम हो रहा है 4:58। तो अभी हम लोग होमस्टे या कोई होटल मिलता तो पता करने जा रहे हैं, और जिस जगह हम लोग पहले गए थे वहीं पता करते हैं, यहाँ मिल जाए तो ठीक है। तो भाई साहब ये देखो पूरी धूप पड़ी है उसमें बर्फ में, और कितना तगड़ा लग रहा है, फुल गोल्डन व्यू लग रहा है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मुनस्यारी, और हमने ले लिया होम स्टे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना ये रूम। तो ये रहा रूम, और यहाँ पे लगी है मूवी, और तो मैं बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। भाई सर वेज क्या हो, प्रदीप से पूछ। तो भाई यहाँ से व्यू देखिए भाई साहब, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ आपको, मज़ा आ गया मतलब। और भाई ये परेशान आत्मा, ये पता नहीं लाइव आ रहा आगे से। तो अभी अब चलते हैं रूम पे, अभी हम लोगों को मिला है होम स्टे, तो व्लॉग एंड अभी हम यहीं पे करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।